हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल्स का 14th of May 2021। और आज हम देखेंगे कि यहाँ के क्या कुछ करंट अफेयर्स हैं बनते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ, आप ज़रूर पूरा देखिएगा इस आर्टिकल को, और पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कैसे आपको न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ना है और उनको कैसे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, जो कि एक स्ट्रेट है, बहुत ही फेमस है, वह किन दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है। ऑप्शन ए रेड सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन बी रेड सी एंड येलो सी, ऑप्शन सी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, एंड ऑप्शन डी इज़ हडसन बे एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो चार ऑप्शंस हैं, आपको इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, और यदि आपको जवाब पता है तो आप वेट करिए, हम लास्ट में वीडियो के इस आंसर को देंगे। यदि आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अभी कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको लास्ट में अपना आंसर कंफर्म हो जाए। चलिए बढ़ते हैं हम न्यूज़ आर्टिकल की ओर, और आज का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट द कोविड-19 वैक्सीनेशन, कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है वह अब अवेलेबल हो गई है, और नेक्स्ट वीक से, मतलब मई के जो लास्ट वीक होगा वहाँ से आपको ये लगना स्टार्ट होगी। तो नीति आयोग ने के मेंबर ने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि 216 करोड़ ऑफ वैक्सीन शॉट्स जो हैं वह अवेलेबल हो जाए इंडिया के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इंडिया ने जो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन है लगाना चालू किया था 16th of January 2021 से, और 12 मई 2021 तक, जो आज हम वीडियो को देख रहे हैं, इंडिया में 17,72,14,256 डोजेस लग चुके हैं ओवरऑल। इसमें फर्स्ट और सेकेंड डोज जो है वह इंक्लूडेड है। देखिए, दो डोज यहाँ कंपलसरी किया गया है, फर्स्ट डोज एंड द सेकेंड डोज विल बी द बूस्टर डोज। अब दो वैक्सीन जो रिसीव हुई थी अप्रूवल के लिए फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो थी कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड जो है वह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही वर्जन है, जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अडार पूना वाला जो इनके मालिक हैं उनके द्वारा, ये पुणे में स्थित है। और कोवैक्सीन जो सेकेंड वैक्सीन को अप्रूवल मिला था, जो कि भारत बायोटेक बना रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी हो सकता है कि आपको आंसर राइटिंग में काम आ जाए, और वनडे एग्जाम वाले तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ अभी क्या हुआ है, स्पुतनिक 5 को, जो कि गमलेया नेशनल सेंटर ऑफ रशिया ने इसे बनाया है, वह अप्रैल 2021 में इसको अप्रूवल मिला था, और अब कहा जा रहा है कि मई लास्ट वीक में इसे क्या किया जाएगा, इसे वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा, और 216 करोड़ ऑफ डोजेस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नीति आयोग के जो मेंबर है उन्होंने बताया है। तो ये था आपका फर्स्ट आर्टिकल, स्पुतनिक 5 कोवैक्सीन और कोविशील्ड से रिलेटेड। बढ़ेंगे हम सेकेंड आर्टिकल की ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपको एक थिंकिंग पर लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अगर जो आपके कैदी हैं, ठीक है, प्रिजनर्स हैं, यदि उनको जेल में रखना है तो उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराना जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन राइट। और हमने देखा कि जो प्रिजन्स में कंजंक्शंस हैं, भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंग रेट पर है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कन्विक्ट्स हैं उनको हाउस अरेस्ट करना क्या हो सकता है ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया, हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है कुछ डेटास, और इससे जुड़ा आज का हमारा एडिटोरियल भी आया हुआ है, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोट किया कि जो प्रिजन्स में जो ऑक्यूपेंसी है वह 118.5% है 2019 में, ठीक है, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो फिगर है 2019 का, वहां पर यह स्टेट किया गया है कि 18,86,092 इनमेट्स हैं जो कि जेल में अभी बंद है, ठीक है,
और उनका जो नंबर है अंडर ट्रायल, जो कि अंडर ट्रायल है, जिनकी पैर भी अभी चल रही है, वह 330,487 है। ठीक, तो इनका जो नंबर है वह टोटल नंबर्स का 69.05% है। अब दूसरा इशू उन्होंने कहा कि एक बहुत लार्ज अमाउंट, देखिए 6,818.1 करोड़ रुपीस जो कि बजट है प्रिजन का। तो देखिए ये दो चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पहली बात तो एक तो वहां पर ओवरक्राउडेड है आपका जेल्स जो है वह ओवरक्राउडेड है, और दूसरा जो उनका बजट है जेल में जो जो भी एक्सपेंडिचर है वह भी क्या होता है सरकार पर दबाव बढ़ता है। तो इन सब चीजों को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है, और जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जजमेंट आप बोल सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि कन्विक्ट जो है उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए, खास करके इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जबकि हम देख रहे हैं कि जेल्स में जो कोरोना वायरस है वह भी बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो ऐसे में द सिक्योरिटी ऑफ द कन्विक्ट शुड ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। अब हम देखेंगे आज का जो हमारे ये आर्टिकल आया हुआ है जो कि आपका एडिटोरियल सेक्शन में है कि शुड पॉलिटिकल प्रिजनर्स बी रिलीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब आपको यहाँ दो वर्ड तो पता है, पेंडेमिक तो आपने बहुत सुना होगा, बट यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और इस पैराग्राफ में एक यहाँ पर एक शब्द है UAPA। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। आज के हमारे जो ऑथर्स हैं वह दोनों ही बहुत रिनोन्ड ऑथर्स हैं, और इन्होंने इस इशू को उठाया है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है। तो अब देखते हैं कि आर्टिकल में क्या कुछ लिखा गया है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन होते हैं? तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इज समवन हु इज इम्प्रिजन्ड बिकॉज दे हैव अपोज्ड और क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इम्प्रिजनमेंट। उनके जो जेल में रखने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट का अपोज किया या उनका क्रिटिसाइज किया, उनकी भर्त्सना की, इसके कारण उन्हें जेल में रखा गया। देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो डेफिनेशन है वह ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग है, अलग अलग लोगों ने इसे सजेस्ट किया है। आप अपने आंसर के लिए एक अच्छा डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि COVID-19 का सिचुएशन है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में कंस्टिट्यूट किया कि तीन कैटेगरी उन्होंने प्रिजनर्स को बांटा। सबसे पहले 7 साल या उससे कम की सजा जो जिन्हें मिली है, दूसरा जो 7 साल या उससे ज्यादा के हैं, और तीसरा जो कि अंडर स्पेशल लॉज वहां पर कन्विक्ट किए गए हैं, जैसे कि आपका UAPA। ये क्या है हम देखेंगे। इसमें उन्होंने कोटा को भी कोट किया है, इसमें उन्होंने टाडा को भी कोट किया है इस पूरे आर्टिकल में। तो कोटा, टाडा, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आते हैं, आप सभी को पता होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, ये आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको पता भी होगा। अब कमिटी ने यह सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिनको लेस देन 7 ईयर्स का कन्विक्शन है, सेंटेंस है, उनको रिलीज के लिए एलिजिबल कर दिया जाए टू डीकंजेस्ट द प्रिजन, जेल में भीड़ को कम करने के लिए। ठीक है, अब कहाँ तक ये फैसला सही है यह तो कमिटी सुझाती रहती है, बार बार ये कमिटियाँ बनती हैं, लेकिन आपको अपने जब आंसर राइटिंग यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अपना भी एक व्यू वहाँ रखना चाहिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। तो उनकी रिपोर्ट जो 2019 में रिलीज की गई उसमें ये लिखा गया है कि कन्विक्शन रेट जो है, ठीक है, ऑफ फॉर द UAPA शोज अ वेरी लो ऑफ 3.1%। कन्विक्शन रेट यहाँ बहुत कम है, जो भी पर्सन UAPA के तहत कन्विक्ट किए जाते हैं जिनको डिटेंशन रखा गया है जेल में। ठीक है, टाटा के तहत यदि देखें, टाटा का आप सभी को पता होगा फ्रीडम टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इस पर जो कन्विक्शन रेट है दैट इज 1.4%, और कोटा जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है उसका थोड़ा सा बेटर कन्विक्शन रेट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कन्विक्शन रेट की बात करें तो वो बहुत कम दिखता है। तो ऐसे में क्या या कन्विक्शंस को बढ़ाना नहीं चाहिए ताकि उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी चीजें आपको यहाँ थोड़ी सोचनी है। अब हम बात करेंगे हमारा जो एक्ट यहाँ मेंशन है दैट इज UAPA एक्ट। तो UAPA एक्ट जो है वह पास हुआ था 1967 में, और यह एम करता है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ऐसा एक्शन है जो कि किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के द्वारा लिया गया जिससे
टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवेरियनिटी ऑफ इंडिया को डिसरप्ट किया गया है या उसको ऐसा आहत पहुंचाया जाना उसका उद्देश्य हो। तो ऐसे एक्ट में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अगर सेंटर एक किसी एक्टिविटी को अनलॉफुल करार दे तो वह ऑफिशियल गैजेट के थ्रू उसे ऐसा कर सकती है। मतलब पूरा का पूरा पावर आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और इसमें जो पेनाल्टी है वह डेथ पेनाल्टी भी है और लाइफ इंप्रिजनमेंट है एज हाईएस्ट पनिशमेंट। सबसे ज्यादा इसमें जो पनिशमेंट दिया जा रहा है सजा का प्रावधान है। तो अब यूएपीए में इंडियन और फॉरेन नेशंस दोनों को चार्ज किया जा सकता है, मतलब फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस को। और ये एप्लीकेबल होगी ऑफेंडर्स के इन द सेम मैनर इफ अ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड। अगर भारत के बाहर भी यदि कोई क्राइम करता है तो भी उस पर ये एप्लीकेबल होगा यूएपीए का जो ये एक्ट। ठीक है, तो यूएपीए जो है उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होगी वह फाइल कर सकती है चार्जशीट 180 दिन में। ठीक है, मैक्सिमम जो डेज है वो 180 डेज है जो कि अरेस्ट और अरेस्ट के बाद का 180 डेज काउंट होगा। और अगर कोर्ट को इंटीमेट किया गया तो यह ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। 2004 में इसमें अमेंडेड किया गया और उसमें टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया गया ऑफेंस की लिस्ट में एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो एक्शंस रिलेट करती थी टू द सीसेशन एंड सीसेशन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक्सटेंशन लाया गया टेररिस्ट एक्टिविटी को भी, एक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अगस्त में पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल लाया 2019 अगस्त में और इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ग्राउंड्स उसमें बताए गए। ठीक, तो ये आपका जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो डायरेक्टर जनरल है DG, वह इसमें ग्रांट कर सकते हैं अप्रूवल ऑफ सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। NIA अगर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इसमें पावर दिया गया है ऑफिसर्स ऑफ द NIA को और किस रैंक का इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक का टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोस कंडक्टेड बाय द DSP और ACP और अबव रैंक इन द स्टेट। तो इसमें NIA को कुछ पावर्स एक्सटेंड किए गए हैं इस 2019 के अमेंडमेंट में। तो आप इसको यदि UAPA आपको कहीं कोट करना है या लिखना है तो आपके लिए मैंने इसको बताया क्योंकि वह मेंशन था आपके इस आर्टिकल में। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर और आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोल्स होने थे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी जो है वह नहीं होंगे ऐसा बोला है। अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल से हमें क्या चीजें जाननी है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये न्यूज नहीं है बट ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानते हैं, इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे काम करता है। तो इंडिया क्या है, बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है, द्विसदनी व्यवस्था है जो कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं तो स्टेट के पास भी दो हाउसेस हो सकती हैं जो कि उनका एक तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है। ये आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। भारत में अभी प्रेजेंट में 6 राज्य हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दो तो आपको आर्टिकल में मेंशन है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना और इसके अलावा जो कर्नाटक, ये तीन राज्य हो गए साउथ के, और उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया आपका सेंट्रल ईस्टर्न और महाराष्ट्र हो गया आपका वेस्टर्न। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है वो एक्टिव हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनको एबॉलिश किया गया जो कि रिओर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 में और स्टेट जो है वह दो भागों में क्या किया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 7 थे अब वहां 6 हो गए। अब एबोलिशन या क्रिएशन कैसे हो सकता है, तो आर्टिकल 169 में इसके प्रावधान किया गया है। पार्लियामेंट जो है वह एबोलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, जहां पर वह एग्जिस्ट है, या क्रिएट भी कर सकती है बाय अ सिंपल मेजोरिटी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक सामान्य बहुमत से उसको एबोलिश या क्रिएट कर सकती है। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, हाउस में जो मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग है उनकी मेजोरिटी, और यदि लेजिस्लेटिव असेंबली ने जिस कंसर्न स्टेट में बनाना है उसके स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करके पार्लियामेंट को भेजा है। ठीक,
अब स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजॉरिटी किन की होनी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी उस लेजिस्लेटिव असेंबली की जहां पर वो बनाया जाना है उस स्टेट की, और दूसरा जो पार्लियामेंट में इसको अप्रूवल मिलना है वह सिंपल मेजॉरिटी से मिलना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 171 में कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर हो सकते हैं? उतने मेंबर जितने 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली। 40 मेंबर से कम नहीं हो सकते, बट कहीं कहीं एक्सेप्शन भी था, ठीक है। 1/3 जो है आपके मैक्सिमम मेंबर्स हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यह परमानेंट बॉडी की तरह काम करता है, डिसॉल्व नहीं होता ये कभी भी, बट टेन्योर जो है वह 6 इयर्स का है, जैसा कि हमारे राज्यसभा मेंबर्स का होता था, विथ 1/3 ऑफ मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 इयर्स। सेम है आपके राज्यसभा के जैसे। अब इलेक्शन का जो मैनर है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 1/3 मेंबर जो है वह इलेक्टेड होते हैं स्टेट के MLAs के द्वारा, ठीक है। 1/3 जो है वह स्पेशल इलेक्टोरेट की तरह द्वारा इलेक्ट होंगे, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे जैसे म्यूनसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के, ठीक। फिर 1/12 ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स के द्वारा होंगे, एंड अनदर 1/12 बाय द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। इसमें जो टीचर्स हैं उनके लिए और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए क्राइटेरिया है, आप और डीप में पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। फिर रिमेनिंग मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और फ्रॉम डिस्टिंग्विश सर्विस इन वेरियस फील्ड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जिसमें है आपका लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा कि ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ठीक है, इसके लोगों को भी वहां पर दिया गया है स्थान ओनली इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसके लिए आपके राज्यसभा में नहीं किया गया है। तो जरूर गवर्नर का जो, और यदि प्रेसिडेंट के पावर्स ऑफ नॉमिनेशंस की बात करें, तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि सेंटर पे नहीं होता राज्यसभा की जब हम बात करते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है वह अगेन आपका रिलेटेड है फॉर अबाउट द वैक्सीनेशंस, ठीक है। जो वैक्सीन लगनी है उसके जो लाइसेंसिंग है उसके लिए एक आर्टिकल यहाँ आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जरूर है कि जो ट्रिप्स है, ठीक है, उसके आधार पर, उसके स्टैंड पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो इसकी लाइसेंसिंग है वह इसको हैंडओवर नहीं कर सकते, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वह वैक्सीन को स्टैट्यूटरी डिजाइन में लाने के पक्ष में जो है वह नहीं है। उन्हें कहा कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है और ट्रिप्स स्टैंड क्या है। तो इंडिया जो है वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर है, और WTO के जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है, ट्रिप्स क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR जो होता है उस पर एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड में, जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसका जो है इंडिया क्योंकि WTO का मेंबर है तो ट्रिप्स एग्रीमेंट उसको फॉलो करना। फिर इंडिया जो है वह वीपो का भी मेंबर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो IPR प्रोटेक्शन होता है उसके लिए वीपो जो है वो काम करती है, उसके प्रोटेक्शन पर वो काम करती है, तो इंडिया इसका भी मेंबर है। अब गवर्नमेंट का जो स्टैंड है यहाँ पर, उन्होंने ये कहा है कि जो लाइसेंसिंग है उसे जो स्टैट्यूटरी डिजाइन में लाना बहुत अभी खराब होगा, उल्टा हो जाएगा, इसका जो काउंटर इफेक्ट है वह बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या है कुछ अलग से कुछ प्लान्स लेकर के आएंगे। हालांकि यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है और इंडिया, इन दोनों ने ही क्या किया है, एक प्रपोजल किया था फॉर टेम्पररी वेवर ऑफ सर्टन प्रोविजंस इन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट दैट इज ट्रिप्स टू फैसिलिटेट फेयर अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ कोविड वैक्सीन एंड मेडिसिन स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। इस पर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने इनिशिएशन लिया था, बट अभी तक इसमें आगे की कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। हम जानते हैं कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आउटलाइन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट
outline the following legal framework within which the center can consider compulsory licensing and acquisition of patents for vaccine against COVID-19. COVID-19 के वैक्सीन का पेटेंट हमने देखा कि कुछ कंपनीज और उनके लाइसेंस के थ्रू है, तो गवर्नमेंट यदि उसको लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ते सुझाए हैं। सबसे पहला तो ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करते हैं और वहां आर्टिकल 30 और 31 में यह एक्सेप्शन दिया गया है टू द राइट्स ऑफ द पेटेंट ओनर्स बाय अलाउइंग द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। यदि कंट्री जो है उस पर छोड़ दिया गया है ट्रिप्स के द्वारा कि उनको यदि लगता है कि लाइसेंस को कंपल्सरी करना है या फिर गवर्नमेंट को यूज करना है तो वो अपना इनिशिएशन ले सकते हैं, ये ऐसा कोर्ट ने कहा। दूसरा 2001 का दोहा डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि डिक्लेरेशन सेज दैट ट्रिप्स शुड बी इंटरप्रिटेड इन अ मैनर सपोर्टिव ऑफ द राइट ऑफ मेंबर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड टू प्रमोट एक्सेस टू द मेडिसिन। यहाँ पर दोहा डिक्लेरेशन में कहा गया कि यदि जन स्वास्थ्य और मेडिसिन का एक्सेस के लिए ऐसा मेंबर्स को लगता है कि इंटरप्रेट करना चाहिए इस लाइसेंसिंग को तो वो कर सकते हैं। फिर पैरा 5B, इट प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू ईच मेंबर टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंसेस एंड डिटरमाइन द ग्राउंड्स ऑन विच द लाइसेंस आर ग्रांटेड। पैरा 5B में भी यही बात कही गई और पैरा 5C में लिखा गया है ईच नेशन कैन डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशनल इमरजेंसी और एक्सट्रीम अर्जेंसी। ठीक, इसमें नेशन जो है, राष्ट्र जो है, मेंबर जो है वो डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यदि आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट यूज के लिए इसे लाना है तो आप लागू कर सकते हैं, यह सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से चीजें पता चल गई होंगी और गवर्नमेंट जो है वह लाइसेंसिंग को यहाँ कंपल्सरी कर सकती है। ओके, देन हम आगे चलते हैं और आगे एक ये आर्टिकल आया हुआ है, यह आर्टिकल OCI से रिलेटेड है। तो OCI के लिए होम मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था अप्रैल में और यहाँ पर उन्हें कहा गया था कि कुछ जो रूल्स हैं वहाँ पर चेंज किए गए थे कि कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनको एक स्पेशल परमिशन लेना होगा अपार्ट फ्रॉम द OCI ताकि वह इंडिया में क्या कर सकें, अपने जो काम है उनको कर सकें। ठीक है, अब न्यूज़ जो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट OCI जो है वह इम्पॉर्टेंट है। OCI क्या है और ये कैसे इंडिया में लागू हुआ, कैसे ये इन्हें परमिशन मिलती है, तो हम देखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के विदेशी नागरिक हिंदी में इसे कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिफाइन करती है OCI को एक ऐसे पर्सन को जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया था जब 26 जनवरी 1950 के पहले या उसके बाद में। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 पे या उसके बाद, सॉरी पहले नहीं। फिर एक पर्सन जो कि एलिजिबल है सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के ऑन 26 जनवरी 1950, और यदि कोई चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड उस पर्सन का जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है, उसके उसको भी OCI का कार्ड बना दिया जा सकता है। फिर सेक्शन 7A ऑफ द OCI कार्ड रूल्स ये कहता है कि एन एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द OCI कार्ड यदि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी समय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश रहे हैं। यदि ऐसा कोई है तो उनको ये OCI कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2005 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 मर्ज कर दिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी को विद OCI इन 2015 में जो CAA में अमेंडमेंट लाया गया था, तो PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया। ठीक, अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं OCI कार्ड होल्डर्स को, तो OCI कार्ड होल्डर्स के इधर एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स कितने भी समय वो भारत में आ सकते हैं और मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा इंडिया को विजिट करने के लिए वो ले सकते हैं और उन्हें बार बार फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO में रजिस्ट्रेशन कराने की बार बार जरूरत नहीं होती। यदि एक इंडिविजुअल जो कि एक OCI कार्ड होल्डर है 5 साल तक के लिए तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फॉर 5 ईयर्स याद रखना है। ठीक है, फिर एट ऑल एंड इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहां पर अगर OCI कार्ड होल्डर्स को स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और OCI कार्ड होल्डर्स अपना एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोल सकता है इंडिया में, लेकिन ये नॉन फार्म प्रॉपर्टी और ओनरशिप राइट्स के लिए होना चाहिए और कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड
ठीक है, पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ नॉन फार्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई भी इमूवेबल या फार्मिंग प्रॉपर्टी को यहाँ कंज्यूम अप्लाई नहीं कर सकता या क्रिएट नहीं कर सकता बोलेंगे। लिमिटेशंस क्या है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं है और गवर्नमेंट जॉब्स को नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल या फार्म लैंड को नहीं खरीद सकते। और दूसरा है कि दे कैन नॉट ट्रेवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज विदाउट गवर्नमेंट परमिशंस। तो ओसीआई सिटीजन के बारे में आई थिंक आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही आपको आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करना है अपने स्टडी, जनरल स्टडीज को, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जीएसटी काउंसिल मीट को क्या किया है, कॉल कर किया है और उन्होंने कहा है कि नॉट मीटिंग एवरी क्वार्टर टू डिस्कस वाइटल इश्यूज इज नॉट इन लाइन विद द वेरी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टर्म है, सहकारी संघवाद इसे हिंदी में कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जरूर आप पढ़िएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आखिर क्या होता है। हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल से। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई और ये रिकमेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी और इंट्रोड्यूस किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा, ठीक है, जिसमें जीएसटी को अमेंड किया गया, आर्टिकल 279A में उसे बनाया गया। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल जो है वह चेयरपर्सन होती है उसकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यूज और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। अब ये एक फेडरल बॉडी है जहां सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यहां डिसीजन जो लिया जाता है वह मीटिंग होती है और मेजॉरिटी जो कि डिसीजन लेती है ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 3/4 वेटेज उनको दिया गया है, ठीक है। पहला जो है द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो वेटेज है वह है 2/3 और इन दोनों का मिला करके 3/4 होने से ही किसी डिसीजन को पास वहां माना जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में जो जीएसटी काउंसिल था उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये टर्म वहाँ यूज किया गया था जिसको मैंने आपको बोला है कि आप पढ़िएगा जरूर, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर लीजिए, ठीक। अब हम आज के जो इस टॉपिक के एंड पर आ चुके हैं और हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलेंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जॉइन विच टू वाटर बॉडीज, तो आंसर इज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ज्वाइन करता है। हम इसका मैप पे भी देख लेते हैं कि कहां पर है ये, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां पर है आपका गल्फ ऑफ ओमान और यहां पर है आपका पर्शियन गल्फ। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है वह बहुत ही पतला एक स्ट्रिप है यहां पर बोल सकते हैं और यहां से जो भी ऑयल टैंक्स कैरी किए हुए जो भी शिप्स यहां से पास होती है उसे यहाँ जाने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को पास करना पड़ता है और ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट यहाँ से होता है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट साइट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाएगा तो आई थिंक आप अब बना सकते हैं। आज के इस आर्टिकल्स और इस करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। न्यूज़ तो वैसे बहुत सारे थे बट मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ थे उसको कवर किया और आपको स्टैटिक वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।